Hi everyone, I'm Dr. Manisha Ranjan, Senior Consultant at Motherhood Hospital, Noida. So today we are talking about abortion. Abortion kya hota hai, kya safe method hai, medical legal iske aspects kya hai, kaun kaun si procedure se hum isko kar sakte hai, aur post care hume kya kya dhyan rakhna hai. So abortion is the termination of pregnancy before viability. ये दो तरीके से हो सकता है, स्पॉन्टेनियस या इंड्यूस्ड. आज हम बात करते हैं इंड्यूस्ड अबॉर्शन के. अनवांटेड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना और इसको सेफ बनाना, दिस इज द मोटो. और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेफ अबॉर्शन प्रैक्टिस को फैसिलिटेट करने के लिए एक्ट बनाई, एंड ये एक्ट हमारी 1971 में बनी, दैट इज द MDP एक्ट. और ये एक्ट हर वुमेन को ये फैसिलिटी देती है, ये सुरक्षा देती है कि वो एक सेफ अबॉर्शन टेक्निक को ऑप्ट कर सके. इसके लिए कुछ क्राइटेरिया बने हैं, कौन ये अबॉर्शन कर सकता है, कहाँ पे सेफ प्लेस पे ये अबॉर्शन परफॉर्म कर सकते हैं, किस जेस्टेशनल वीक्स तक इसको किया जा सकता है, और कौन इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, राइट. इस एक्ट के में कुछ अमेंडमेंट हुई, जैसे ही हमारी थोड़ी सोशल स्ट्रक्चर चेंज हुई, हमारी एडवांसमेंट हुई हमारी सोशल स्ट्रक्चर में, तो 2021 में एक नई MTP अमेंडमेंट एक्ट आई, और ये कुछ कुछ चीज़ों में इसमें बदलाव आया ताकि इसकी प्रोसेस को थोड़ा और इजी बनाया जा सके, और जो अनसेफ अबॉर्शन प्रैक्टिस है उसको कम किया जा सके, और फीमेल की सुविधाओं का, उनके मॉर्बिडिटी रेट, मॉर्टेलिटी रेट जो इस अबॉर्शन, अनसेफ अबॉर्शन के कारण होती है, इसको कम किया जा सके. सो ये क्या है एक्ट? इस एक्ट में दो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए. पहले जो जेस्टेशनल वीक्स हमारी होती थी, जिसमें सिर्फ 20 वीक्स तक ही हम टर्मिनेट कर सकते थे, उसको थोड़ा बढ़ाकर 24 वीक्स तक किया गया, जिसमें हम अनवांटेड प्रेगनेंसी या किसी भी रीजन से यदि ये बेबी या मदर के ऊपर हार्म हो सकती है, इसको हम 24 वीक्स तक इस प्रोसेस को, टर्मिनेशन को कर सकते हैं. 24 वीक्स पहले जो थी सुविधा हमारे पास, सिर्फ एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन की जरूरत होती थी 12 हफ्तों तक, और 12 से 20 हफ्तों तक दो डॉक्टर की ओपिनियन चाहिए होती थी. इसको थोड़ा बदल दिया गया, अब सिर्फ 20 हफ्तों तक एक ही डॉक्टर की ओपिनियन चाहिए. 20 से 24 हफ्तों तक की टर्मिनेशन के लिए दो डॉक्टर की ओपिनियन की जरूरत होती है, एंड 24 वीक्स ऑनवर्ड टिल 28 वीक्स वी कैन परफॉर्म इट. बट इसके लिए एक मेडिकल बोर्ड बैठती है, जिसमें एक पीडियाट्रिशियन, एक गायनेकोलॉजिस्ट और एक गवर्नमेंट की अथॉरिटी, मोस्टली द CMO, इस बोर्ड के मेंबर होते हैं. अब ये प्रोसेस कैसे किया जा सकता है, इस टर्मिनेशन को किस पद्धति के साथ सही तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है. टू मेथड, वन इज द मेडिकल टर्मिनेशन, जिसमें मेडिसिन लेकर के हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, एंड सेकेंड इज द सर्जिकल प्रोसेस. सो मेडिकल टर्मिनेशन में अबॉर्शन पिल्स आती हैं, जिसको आपको दिया जा सकता है, और ज़्यादा अच्छा तरीका होता है कि हम 7 हफ्तों तक की प्रेगनेंसी को मेडिकल पिल के द्वारा टर्मिनेट करें. इसके बाद आती है सर्जिकल प्रोसेस. सर्जिकल प्रोसेस एक छोटी सी प्रोसेस होती है, जिसको हम कहते हैं DNC. अंडर जनरल एनेस्थीसिया हम इस प्रोसेस को करते हैं, और इस DNC में सिर्फ एक 10 मिनट का टाइम होता है. बहुत सारी इससे मिथ जुड़ी हुई है कि इसमें बहुत पेन होगा, नहीं, ये अंडर जनरल एनेस्थीसिया होता है. इसमें आपकी ब्लड लॉस बहुत कम होती है, क्योंकि सिर्फ हम प्रोडक्ट को सक करके बाहर निकालते हैं. मोस्ट ऑफ द प्लेसेज, अच्छे प्लेसेज में अंदर अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है, तो हमें सेकेंड अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं होती है, और 7 हफ्तों से टिल 12 वीक्स हम इसको DNC को परफॉर्म कर सकते हैं. इसके ऊपर की जो प्रेगनेंसी होती है, उसको टर्मिनेट करने के थोड़े डिफरेंट तरीके हैं. पहले बेबी एक्सपेल होता है, क्योंकि हड्डियाँ बन गई होती हैं, और एक्सपल्सन के बाद एक अल्ट्रासाउंड करके हम कंफर्म करते हैं पूरे प्रोडक्ट बाहर आए या नहीं. यदि पूरे प्रोडक्ट बाहर नहीं आते हैं, तो हम उसको DNC में कन्वर्ट करते हैं, ताकि बचे हुए प्रोडक्ट को हम निकाल सकें. नाउ थर्ड, इसके पोस्ट केयर क्या होनी चाहिए, क्या क्या हमें ध्यान रखना है. सो यदि हमने मुँह की गोलियाँ ली हैं, अबॉर्शन पिल लिया है, तो इसमें हमारी ब्लड लॉस थोड़ी नॉर्मल से ज़्यादा होती है, हमारा डिस्कम्फर्ट ज़्यादा होता है. तो यदि हमने देखा कि अल्ट्रासाउंड में कुछ प्रोडक्ट बच गए हैं,
तो हमें उसको निकालना है, फिर से एक रिपीट मेडिसिन दी जाती है और एक एंटीबायोटिक कवर दिया जाता है। यदि आपकी ब्लड लॉस ज्यादा हुई है और रिपोर्ट बता रहा है कि हीमोग्लोबिन कम हो गया है तो एक आयरन कैप्सूल दी जाती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पेशेंट की मेंटल हेल्थ। एक बहुत गिल्ट फील होता है हमारी इस प्रोसेस को कराने के बाद फीमेल में, और मैं कहूँ तो एक कपल में, तो सराउंडिंग का एक सपोर्ट जिसमें उनको थोड़ा सा हम टेंडर लविंग केयर दें और थोड़ी उनकी इस गिल्ट को कम करने के लिए अच्छे वातावरण को सराउंडिंग में रखें, तो ये पेशेंट की बहुत हेल्प करता है इस गिल्ट से ऊपर आने में। वंस वी हैव डिसाइडेड दैट वी आर नॉट रेडी फॉर दिस बेबी, देन जस्ट डू इट एंड हेल्प ईच अदर, ताकि इस गिल्ट से और इस परेशानी से जो उनको हमेशा एक तंग करता है कि हमने गलत किया सही किया, वो बाहर आ सके। थर्ड है कि इफ़ इट इज़ अनवांटेड प्रेगनेंसी और बार बार यदि हमें अबॉर्शन पिल लेने की ज़रूरत हो रही है, तो हमें अपने आप को थोड़ा बदलना होगा, अपने नियर बाय सर्विस प्रोवाइडर से बात करके एक अच्छी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को अपनाना चाहिए, ताकि हम बार बार के इस परेशानी से जो हमें फिनेंशियली, सोशली, इमोशनली, फिजिकली तंग करता है, इससे हम बच सकें। तो एक अच्छी कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस लेना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। थैंक यू सो मच। Thank you.